तो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आप देख रहे हैं एंड्रॉइड जंक्शन यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है रूपेश। दोस्तों आज चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं यहाँ पे, जैसा आप लोगों को पता है अगर ट्रू कॉलर किसी के फ़ोन में इंस्टॉल है और आप कॉल करते हैं आपका नंबर उनके फ़ोन में सेव नहीं है, तब आप कॉल करते हैं ना तब भी आपका नंबर उनके फ़ोन में दिखा देता है। तो आज की वीडियो हम बताएंगे कि ये जो नंबर दिखाता है ना, आपका नेम वगैरह पता चल जाता है, आप इसको कैसे अनलिस्ट करेंगे, यानी आप ट्रू कॉलर से कैसे बाहर निकलेंगे, अपना नाम अपना मोबाइल नंबर कैसे बाहर निकालेंगे ताकि अगले को कॉल करें तो पता न चल पाए कि कौन कॉल कर रहा है। तो दोस्तों मैं केवल यहाँ पे एजुकेशनल पर्पज के लिए बता रहा हूँ, तो प्लीज़ इसका अच्छे काम में उपयोग लीजिएगा, गलत काम में उपयोग मत करिएगा। आइए मैं आपको बताऊँगा कैसे कैसे क्या करना, पूरा तरीका आपको इस वीडियो में बताऊँगा, तो वीडियो आखिरी तक जरूर देखिएगा कैसे कैसे क्या करना है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटी रिक्वेस्ट जरूर करूंगा, चैनल पे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय से मिल सके। आइए चलिए हमारा वीडियो स्टार्ट कर देते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है, उस लिंक पर जैसे क्लिक करेंगे ना आप यहाँ पे अनलिस्टेड वाली साइट पे आ जाएंगे। लेकिन यहाँ पे कुछ बातें आपको ध्यान से देखना है कैसे कैसे क्या करना है। सबसे पहले तो दोस्तों यहाँ पे आपको नीचे आना होगा, तो नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखिए फ़ोन नंबर आपको अपना देना है, लेकिन यहाँ पे एग्जांपल दिया है किस तरह से देना है। आपको पहले अपने कंट्री का कोड लगाना होगा, तो मेरी कंट्री का कोड, मैं इंडिया से हूँ तो मेरी कंट्री का कोड है +91। ठीक, इसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर देना होगा। हम अपना मोबाइल नंबर यहाँ से दे देते हैं और उसके बाद हमको क्या करना होगा, आई एम नॉट ए रोबोट जहाँ लिखा है इस पर चेक मार्क करना होगा। इस पर जैसे चेक मार्क करेंगे ना, यहाँ पे कह रहा है ट्रैफिक लाइट बताइए कहाँ कहाँ लगी है, उस पर आपको क्लिक करना होगा। तो हमको जहाँ पे दिख रही है एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे दिख रही है और एक यहाँ पे, मैंने लेकर और वेरीफाई वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जो वहाँ पे शो करेगा ना, आपको पार्किंग शो करेगा तो पार्किंग वाले इमेज पे क्लिक करना है, ट्रैफिक पे करेगा तो ट्रैफिक पे, कार वाले पे तो कार वाले पे, जहाँ पे कहेगा वहाँ पे करना होगा। फिर यहाँ पे अनलिस्ट फ़ोन नंबर दिखा रहा है ना, इस पर हमको क्लिक करना होगा। इस पर क्लिक करके यहाँ पे अनलिस्ट वाले ऑप्शन पे ओके कर दीजिए। ठीक है, इस पर जैसे ही करेंगे ना, अब देखिए यहाँ पे आगे का इंटरफेस कुछ इस तरह से आ गया है, डीएक्टिवेट रिक्वायर्ड इफ़ यू आर ए ट्रू कॉलर यूजर। और यहाँ पे इस तरह से जैसे ही आप कर देंगे ना, तो तुरंत ही मतलब 24 घंटे का टाइम लगता है। और देखिए नीचे हमको यहाँ पे नोटिफिकेशन मिल चुकी कि मेरा जो यहाँ पे हमारा जो मोबाइल नंबर है वो अनलिस्ट हो चुका है ट्रू कॉलर से। तो बहुत ही आसानी से आप यहाँ से कर सकते हो, जो मैंने आपको बहुत ही आसान ट्रिक के माध्यम से बताया। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद है वीडियो पसंद आए, अगर पसंद आए प्लीज वीडियो को लाइक चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय दोस्तों।